हेलो दोस्तों, मैं ये एक सब ऊपर फ्री एम्पलीफायर का ऑर्डर किया था। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ही किया था, ऐसा लगता है फ्लिपकार्ट से किया था। तो अभी मैं उसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले से उसको खोल के रखा है, पूरा नहीं खोला था। अभी उसको मैं पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ ऐसा है। ऐसा ये है, देखो किस तरह से ये बनाया हुआ है। जिसमें दो वॉल्यूम दिए हुए हैं और दो पोटेंशियोमीटर और ये दो आईसी दिए हैं उसके अंदर, और ये उसमें NC5532 का आईसी दिया हुआ है उसके अंदर, और साथ में ये सारे स्क्रू और नट दिए हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। ये बैग साथ में आता है और आईसी सॉकेट में लगाया हुआ है, इसलिए अगर चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके उस पर नंबर भी नहीं इरेज किया हुआ, वो भी अच्छी बात है, उसकी नंबर इरेज नहीं किया हुआ। तो उसमें 15015 का डीसी वोल्ट लगाना पड़ता है, जो ड्यूअल पायर एसी से डीसी कर कन्वर्टर करके आपको लगाना पड़ेगा। और एसी से डीसी करने के लिए आपको 4 डायोड का रेक्टिफायर ब्रिज बनाना पड़ेगा और 2 2200 mAh फीडिंग 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, और उसे सारा डीसी कन्वर्टर बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आप पावर लगा सकते हैं। बाकी ये सब ऊपर का आउट है, ये इनपुट है एल इन आर इन, इस तरह से है। लेफ्ट चैनल इन राइट चैनल इन, इस तरह से ये बनाया हुआ है, और इस तरह से ये सारा बोर्ड है। मैंने सब ऊपर के लिए ही उसको खरीदा है। तो अभी मैं उसका वायरिंग करूँगा, फिर उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊँगा कि रियल में ये कैसा वर्क करता है, उसके बाद पता चलेगा। और उसमें ये 47K का लगाया है, दूसरा है वो 10K का लगाया हुआ है। बहुत कम लोग 10K का लगाते हैं, उसने 10K का लगाया है। जो ये लगता है ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए है, ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए, उसका वॉल्यूम ज़्यादा कम करने के लिए है। ऐसे तो अच्छा चाइनीज़ में चाइना मेड में भी एक ऐसा ही आता है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी आया नहीं है। तो आने के बाद उसका भी मैं रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह के बास कंपनी का है, बास कंपनी उसने ये बनाया है। तो मैं उसका कीमत अराउंड, और उसके साथ में ये सारा लिस्ट दिया हुआ है पेपर में, कहाँ कौन सा कंपोनमेंट लगाया है, नंबर वाइज CB, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ, ये उसका सारा ये लिस्ट ये साथ में देते हैं ये लोग। चलो, ये तो पहली बार मैंने देखा कि ऐसा लिस्ट कोई देता है, उससे पता चलता है। और पूरा सर्किट डायग्राम भी उन्होंने साथ में दिया है, जिससे कोई ट्रबल शूट हो आप अच्छा कर सकते हैं। ये बास कंपनी वाले ने पहली बार ऐसा कुछ दिया है।
जिससे आपको अगर कुछ जल गया है तो आप ये नंबर देख के आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं उसका कीमत दिखाता हूँ, कितना पैसा मैंने उसका पे किया है। तो दोस्तों, इसकी कीमत 399 रुपये 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 हैं। 399 में 400 रुपये उसका कीमत है और उसका शिपिंग हैंडलिंग 58 रुपीस है। टोटल ये मुझे 457 रुपये में ये मुझे पड़ा है। उसका मैंने 457 रुपया ले किया है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था। यस, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो अभी मैं उसका थोड़ा वायरिंग करके उसका आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने उसमें ये लाइन इनके अंदर, ये आप देख सकते हो, तीन वायर लगा के मैंने सॉकेट लगा दिया है। ऑक्सिलेटर वो डायरेक्ट सेल फोन में दिया है। यहाँ से 12012 का मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, जो मैं ये बनाया 12012 का, ये वो मैं उससे मैंने यहाँ 12012 दो एम्पियर का ट्रांसफार्मर पर लगा दिया है। और यहाँ जो सब वूफर आउट है वो मैंने 40040 का, 44040 का जो एम्पलीफायर है उसमें उसका पावर दे दिया है। तो अभी उसका मैं साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा। ये उसका फ्रीक्वेंसी है, ये इसका वॉल्यूम कंट्रोलर है, ये वास्प कंपनी का है। तो अभी मैं उसका साउंड टेस्ट आपको सुनाऊंगा कैसा है। अभी मैं ये चालू कर रहा हूँ। उसका परफॉर्मेंस 5 स्टार है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा बजता है। और ये स्विच किसके लिए दिया है, SW1 फेस, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, वही पता नहीं है। तो अभी मैं दूसरा सॉन्ग उस पर लगा के चेक करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसका पूरा पैसा वसूल है। अभी 12012 का ही मैंने ट्रांसफार्मर लगाया है, वो तो 15015 का,
ट्रांसफार्मर लगाने का बोलते हैं, लेकिन मेरे पास 15.0.15 अवेलेबल नहीं है, 12.0.12 अवेलेबल है, इसलिए मैंने 12.0.12 लगाया है। और उसमें ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव वाला रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ यहाँ पर, और आपको मैंने ये कैसे बनाया ये भी बता देता हूँ। देखो ये इस तरह से मैंने बनाया है। देखो ये एक 5 एम्पियर का ये रेक्टिफायर लिया है, यहाँ 1000 mAh 25 वॉट 1000 mAh 25 लगाया है, यहाँ प्लस में 78.12 लगाया है और माइनस में 79.12 लगाया है। अगर ये 1000 mAh 25 की जगह पर आप 2200 mAh 25 लगाएंगे और यहाँ 2200 mAh 25 लगाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए अभी यही लगाया है। अगर 2200 mAh 25 वॉट में वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा तो 15.0.15 लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 15.0.15 मार्केट में इतना इजी मिलता नहीं है, लेकिन 12.0.12 से भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्री एम्पलीफायर है सब ऑफर के लिए। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये चाइना अमेरिका कुछ कॉपी किया हुआ है और आईसी भी बहुत अच्छा यूज़ किया है। वो 44-48 वाला नहीं, ये 55 दूसरा जो आता है जिसका नंबर मैंने पहले बता दिया वही वाला है। सो अभी यहाँ वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।